चंडीगढ़ में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद अगर बात की जाए तो जल स्तर जो है सुखना नदी का वो बढ़ गया है। आपको तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं सुखना से, जहाँ पर आपको देख रहा होगा कि पानी कितना है। आप देखिए इसका जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जैसे कि आप देखिए मैक्सिमम पॉइंट लेवल यहाँ पर 1163 लिखा हुआ है और उससे महज कुछ ही लाइन नीचे जो पानी का बहाव है यहाँ पर हो गया है। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि सुखना में जो है फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। फिलहाल इसका एक गेट खोला गया है, आपको उसकी भी तस्वीरें जो हैं हम यहां पर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर यही देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, देखिए किस तरह से लोग भी यहां पर इकट्ठा हुए हैं जो देखने आए हैं फ्लड गेट जैसे खुला है, क्योंकि लोगों के लिए जरूर एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। बट आपको हम बताएं कि ये काफी असुरक्षित भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पानी का तेज बहाव है ये आप देखिए कि फ्लड गेट आज सुखना में खोले गए हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जरूर जारी की गई थी कि फ्लड गेट जो हैं वो खोले जा सकते हैं, पर आज सुबह आपको बताएं कि 24 घंटे में तकरीबन 84 mm बारिश हुई है, जिसके चलते यही बारिश अगले 3 दिन में होने की संभावना भी जताई जा रही है। और जलस्तर जो है वो सुखना लेक का बढ़ चुका है। इसको देखते हुए प्रशासन ने खतरे को भांपा और फ्लड गेट्स खोल दिए। आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल सुखना में जो है पहला फ्लड गेट जो है खोला गया है, और अगर पानी इसी तरह से आता रहेगा तो आगे फ्लड गेट्स जो हैं वो दूसरे भी खोलने पड़ सकते हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों हिमाचल में बारिशें हुई हैं, तो उस बारिश के चलते वो सारा जो पानी है वो मैदानी इलाकों की तरफ आता है। आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें जो है कितनी भयावह तस्वीरें हैं जब फ्लड गेट खोलने पड़े हैं। सुखना का एक फ्लड गेट यहाँ पर खोला गया है, पर प्रशासन ने चिंता जताई है कि अगर ये पानी इसी तरह से रहता है तो इसका दूसरा फ्लड गेट भी खोला जा सकता है। आप ये देखिए कि पानी कितने तेज बहाव से आगे जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस तेज बहाव पानी के कारण यहाँ के जो साथ लगते इलाके हैं, जैसे कि किशनपुरा है, आगे बापूधाम है, उसके आगे जीरकपुर है, बल्टाना है, डेरा बसी है, वहाँ के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये पानी जो है ये घग्गर के साथ लगते इलाकों में जाएगा और वहाँ पर जो है काफ़ी खतरनाक मंजर ये सामने तो हो सकता है। इसको देखते हुए जो कई रास्ते जो हैं वो बंद करने की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुखना नदी की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेक है सुखना लेक है ये किस तरह से इस समय अपने भयावह रूप में है और रौद्र रूप दिखाई दे रहा है इसका। आपको ये भी बताएं कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे फ्लड गेट्स हैं वो भी खोलने पड़ सकते हैं। आपको बताएं कि बापूधाम कॉलोनी से पुलिस लाइन की तरफ आने वाले रास्ते पर शास्त्री नगर पुल और सुखना चौक पर किशनगढ़ की तरफ से आने वाले पुल पर ना भी आने की सलाह दी गई है। आपको बताएं कि पिछले काफ़ी समय से जो है वो लगातार बारिशें पड़ रही हैं, खासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बारिशें जो हैं वो पड़ रही हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में पानी अब जो है वहाँ से आ रहा है और इसके चलते अलग अलग जगहों पर पानी का भराव ज़्यादा देखने को मिला है। घग्गर का भी हमने आपको हाल दिखाया था, घग्गर में भी पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। वहीं पर अगर सुखना की बात की जाए तो सुखना में भी जलस्तर बढ़ा है और इसके चलते एक फ्लड गेट सुखना का खोल दिया गया है, जिसकी की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। और आपको ये बता दें कि अगर बारिश इसी तरह से पड़ती रही और जलस्तर सुखना का इसी तरह से बढ़ता रहा तो दूसरा फ्लड गेट भी खोला जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।